वेलकम टू पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। मैं आपके साथ कर रही हूँ इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज से रिलेटेड, जो जीके में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज से रिलेटेड, उसका पार्ट टू कर रही हूँ आपके लिए, जीके स्टोरी। ओके, दिस इज अ न्यू अप्रोच टू लर्न परमानेंटली, क्योंकि जनरली जो इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज होती हैं वो स्टूडेंट्स को याद नहीं होती हैं। अगर मैं आपको लेकिन उनकी बैकग्राउंड स्टोरी सुनाऊँ और इन्वेंटर के बारे में कुछ थोड़ा डिटेल में बताऊँ तो आपको याद हो जाएगी और परमानेंटली याद हो जाएगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला इन्वेंटर। Who invented the safety lamp? अब safety lamp की खोज किसने की, किसने इसको बनाया, किसने आविष्कार किया? Safety lamp क्या है? देखो, जो miners होते हैं, जो खानों में काम करते हैं, वहाँ पर बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, उनके लिए ये safety lamp बनाया गया था। ये किसने बनाया था? आंसर हमारा हम्फ्री डेवी है। ठीक है, अब हम्फ्री डेवी कौन थे? ये एक केमिस्ट थे। ठीक है, एक केमिस्ट थे और इन्होंने एक लैंप बनाया जो कि माइनर्स सेफली यूज कर सकते थे। इनका नाम काफी सारी जगहों पर आया, काफी चीजों में अग्रणी रहे। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, इन्होंने लाफिंग गैस जो है अपने आप, इन्होंने लाफिंग गैस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, स्वयं के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और इनको लगा कि इस गैस को इनहेल करने के बाद तो मुझे बहुत हंसी आ रही है, तो इन्होंने इसको नाम दिया लाफिंग गैस। और इनके सजेशन पर इन्होंने ये सजेस्ट किया था कि क्यों ना इस गैस का प्रयोग एनेस्थीशिया में भी किया जाए। देखो, एनेस्थीशिया कब यूज होता है? जब सर्जरीज होती हैं, ऑपरेशंस होते हैं, उसको बंदे को बेहोश करने के लिए। इन्होंने इसलिए ये सजेस्ट किया कि क्योंकि अगर सर्जरी है तो पेन होगा, तो लाफिंग गैस से वो जो पेन है उसका इंपैक्ट कम होगा और बंदे को हंसी आएगी। खैर, एनीवे, इन्होंने आयोडीन को भी फर्स्ट टाइम एलिमेंट आयोडीन को आइडेंटिफाई किया, उसको नाम दिया आयोडीन। लेकिन उसके बाद 1815 में इनके पास एक लेटर आया, और ये लेटर आया न्यूकासल के माइनर्स से। वहां पर जो खान में लोग काम करते थे, उन्होंने ये चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि जब हम खान में नीचे जाते हैं तो वहां पर खानों में मीथेन गैस होती है। अब होता क्या है कि इन्होंने जो हेलमेट पहने होते थे उनमें एक छोटी सी कैंडल होती थी, और काफी बार और जो गैस होती थी माइंस में, जो मीथेन होती थी, वो स्पार्क ऑफ हो जाती थी, आग पकड़ लेती थी इन हेलमेट्स के अंदर जो कैंडल लगी थी उसके कारण, जिस वजह से फिर वहां पर फायर लग जाती थी खान के अंदर। अब वहां से बाहर निकल पाना भी मुश्किल होता था, तो बहुत सारे लोग मारे जाते थे, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन इसका कारण बनता था। तो डेवी को लगा, यस, इन लोगों की जो दिक्कत है बहुत ही जायज है, और क्योंकि उन्होंने बहुत सारे केमिकल्स और गैसेस के साथ काम किया था, उन्होंने फ्लेम को सेपरेट कर दिया मीथेन गैस से। वो जो फ्लेम था उसको चारों ओर से उन्होंने कवर करने की कोशिश की ताकि वो मीथेन गैस के साथ इंटरेक्ट ना कर पाए, और इन्होंने दिया सेफ्टी लैंप। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको कल मैंने ये भी बताया था कि जो हमारे जिन्होंने फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव दिया, जॉर्ज स्टीफनसन के बारे में मैंने कल आपको बताया था, राइट, इफ यू रिमेम्बर, इससे पहले वाले पार्ट वन ऑफ द वीडियो में। तो जॉर्ज स्टीफनसन जो थे उनके बारे में कहा जाता है क्योंकि वो खुद माइंस में काम करते थे, वो एक कोलियर थे, तो उन्होंने भी एक लैंप दिया था। उनको भी लगा था कि माइनर्स के सेफ्टी के लिए मुझे लैंप देना चाहिए, पर जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को प्रेजेंट किया था, क्योंकि वो एक अनपढ़ व्यक्ति थे और 17 साल की उम्र के बाद उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा था, ना तो उनकी इंग्लिश ऐसी थी जो इंप्रेस कर सके, ना वो अपने आप को बहुत फोर्सफुली पुट कर पाए थे, तो बहुत से लोगों को लगा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने ये जो व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है ये कोई इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट कर दे, तो उनके एक्सपेरिमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया था। इनफैक्ट बाद में उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने हम्फ्री का जो हम्फ्री जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो चुरा लिया था, और उसके दम पर वो सेफ्टी लैंप बनाने का दावा कर रहे थे, और हम्फ्री डेवी को भी ऐसा ही लगा, और ये तो ये सोचते हुए इनकी मृत्यु भी हुई। बाद में जब इनकी डेथ हुई, आखिर तक ये यही सोचते रहे थे कि जॉर्ज स्टीफनसन ने मेरा एक्सपेरिमेंट चुराया, लेकिन क्रेडिट इन्हीं को मिला सेफ्टी लैंप के आविष्कार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। जनरल एनेस्थेटिक वॉज इन्वेंटेड बाई, ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में मैं एनेस्थीसिया का थोड़ा जिक्र कर चुकी हूँ, नाइट्रस ऑक्साइड से रिलेटेड। अब यहाँ पर है जनरल एनेस्थीसिया वॉज इन्वेंटेड बाई, इसकी खोज किसने की? आपके जो चार ऑप्शन हैं इनमें हमारा आंसर है हानाको शेचू। ये कौन थे? ये एक जापानीज थे। सबसे पहले तो ये जापान के रहने वाले थे, और ऐसा नहीं है कि इनसे पहले एनेस्थीसिया नहीं यूज होता था, लेकिन इनका नाम क्यों दर्ज है एग्जैक्टली आपको बता देती हूँ। ये पहले व्यक्ति हैं ऑन रिकॉर्ड जिन्होंने एक सक्सेसफुल सर्जरी की थी अंडर जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? जन्म बताते हैं आपको। सबसे पहले 1760 में जन्म हुआ, और जिस जमाने में इनका जन्म हुआ उस जमाने में जापान में थी मिलिट्री डिक्टेटरशिप। ठीक है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, और डिक्टेटरशिप केवल नाम की डिक्टेटरशिप नहीं थी, ओके, लोगों जापान को जापानीज को किसी के साथ भी वर्ल्ड में इंटरेक्ट नहीं करने दिया जाता था, पूरी आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज फॉलो की जाती थी,
अगर किसी कंट्री के साथ इंटरेक्शन होता था तो वो था आपका नेदरलैंड। तो डच ट्रेडर्स आते थे और डच ट्रेडर्स जो हैं वो उन्होंने सर्जरी से इंट्रोडक्शन कराया जापान का, वो सर्जरी लेकर आए जापान में। और ये जो व्यक्ति था आपका हनाकू शेचू, ये न सिर्फ इन्होंने जो डच ट्रेडर्स आते थे वो जो वेस्टर्न मेडिसिन के बारे में लेकर आए, सर्जरी के बारे में लेकर आए, उन सब चीज़ों पर अध्ययन किया, साथ ही साथ इन्होंने चाइनीज मेडिसिन वगैरह के बारे में भी बहुत डिटेल में अध्ययन किया। और उसके बाद इन्होंने एक चाइनीज सर्जन के बारे में पढ़ा जिनका नाम था हुआटी, ठीक है, ये उनका नाम था। उसके बारे में इन्होंने पढ़ा कि किस तरह से जो चाइनीज सर्जन था ये एनेस्थीशिया यूज करता था अपने एक्सपेरिमेंट अपने पेशेंट्स के ऊपर, बाकी आगे सर्जरीज वगैरह करने के लिए। तो इनको भी लगा कि क्यों ना मैं भी इस तरह का कोई एनेस्थीशिया बनाऊं जो मैं यूज कर सकूं। और उसके बाद इन्होंने एक हॉट ड्रिंक में बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक हॉट ड्रिंक बनाई जो अगर किसी व्यक्ति को पिला दी जाए तो फिर वो एक दिन के लिए, वन डे के लिए सोएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, ये काफी कामयाब हो गए, बहुत सक्सेसफुल सर्जरीज करने लगे, ट्यूमर्स, कैंसर, वूंड, अल्सर, यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरी तक करने लगे, बहुत नाम कमाया इन्होंने। लेकिन यस, इनके बारे में एक बात थी कि अपना सीक्रेट ये शेयर नहीं करते थे। आखिर में जब इनको लगा कि बस अब मेरी ज्यादा जिंदगी रह नहीं गई है तो इन्होंने अपना सीक्रेट शेयर किया अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो जनरल एनेस्थीशिया का कभी नाम आए और पूछा जाए कि कौन है भाई पहला, हालांकि आप कभी एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे इंडिया के बारे में तो वहां पर इसका जिक्र आपको जरूर मिलेगा, सुश्रुत वगैरह के नाम जरूर आएगा, लेकिन यहां पर जिनका नाम फर्स्ट पर्सन ऑन रिकॉर्ड है मैं कहूंगी वो ये आंसर है, आंसर डी। हु इन्वेंटेड ईमेल, ईमेल की खोज किसने की, यहां पर नाम आता है एक भारतीय का, एक इंडियन का नाम आता है जिनका नाम है वी ए शिवा अय्यादुराई, ये इनका नाम है। लेकिन यस, इनका ये जो इन्वेंशन है ये मैं यहां आपका जो इंटरनेट वगैरह है या बुक्स है इसको कंट्रोवर्शियल बताती हैं। कंट्रोवर्शियल इसलिए बताती हैं कि इनका नाम तो आ रहा है लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले ईमेल नहीं था। ओके, अब मैं बताती हूँ क्यों कंट्रोवर्शियल है। वी ए शिवा अद्योरी ये इनका नाम है। ये एक इंडियन बॉर्न अमेरिकन है, साइंटिस्ट है, एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। और 7 साल की उम्र में महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ, फिर 7 साल की उम्र में फैमिली जो है कर गई माइग्रेट यूएसए। और उसके बाद जब ये करीबन 13-14 साल के थे तो इनकी माँ एक मेडिकल स्कूल में काम करती थी, वहाँ इन्होंने वॉलंटियर किया काम करने के लिए। और इन्होंने एक ईमेल सिस्टम बनाया जो कि जितना भी पेपर वर्क था उनके ऑफिस में उसके लिए ये ईमेल सिस्टम बनाया गया बेस्ड ऑन इंटर ऑफिस मेल सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद 1982 में इन्होंने इसको रजिस्टर करा लिया, कॉपीराइट ले ली और अपने सॉफ्टवेयर को इन्होंने नाम दिया ईमेल, ठीक है। लेकिन इनका कंट्रोवर्शियल है, काफी लोग इनको नहीं मानते हैं, पर क्योंकि एसएससी में पहले क्वेश्चन आया हुआ है, यही एसएससी ने आंसर दिया है तो उसी के अनुसार मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट है हमारा हु इन्वेंटेड रॉकेट, रॉकेट की खोज किसने की। अब देखो, रॉकेट की खोज जरूर किसी ऐसे व्यक्ति ने की होगी जिसको आसमान बहुत पसंद होगा, जिसको उड़ने का शौक होगा। तो कौन है वो व्यक्ति, वो व्यक्ति है रॉबर्ट गोडार्ड, ये इनका नाम है। जन्म कब हुआ इनका, इनका जन्म हुआ 1882 में और 62 साल की उम्र में थ्रोट कैंसर से इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। थ्रोट कैंसर से इनकी मृत्यु हुई, बहुत साधारण से परिवार में इनका जन्म हुआ, लेकिन पिताजी ने इनको बहुत एनकरेज किया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ये एक इंजीनियर भी थे, प्रोफेसर भी थे, फिजिस्ट भी थे, इन्वेंटर भी थे। और क्यों इनका नाम आता है, इनका नाम इसलिए आता है क्योंकि वर्ल्ड का पहला लिक्विड प्रोपेल्ड रॉकेट इन्होंने बनाया। ओके, अपने माता पिता के ओनली सर्वाइविंग चाइल्ड थे, ऐसा नहीं हुआ कि और भाई बहन थे, लेकिन केवल यही जीवित रह पाए, ओनली सर्वाइविंग चाइल्ड थे अपने माता पिता के। और बचपन से ही इनका जो रुझान था वो इन्वेंशंस की तरफ था, ठीक है, वो इन्वेंशंस की तरफ था। इनको अच्छा लगता था तरह तरह की नई नई चीज़ें देखना, इन्वेंशंस की तरफ था। पिताजी ने अपने बेटे में ये चीज़ देखी और बहुत कम पिता ऐसे करेंगे, पर उन्होंने अपने बेटे को लाकर एक टेलीस्कोप दिया, लो बेटा दूरबीन, जहाँ जितनी दूर तक देखना है देखो। उन्होंने एक माइक्रोस्कोप कर दिया अपने बेटे को और उस वक्त एक मैगजीन आती थी उसको उन्होंने सब्सक्राइब किया बेटे के लिए, क्योंकि वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स वगैरह के बारे में होती थी। तो इन 3-4 चीजों ने उसे बचपन में बढ़ावा दिया कि तुम जो पसंद करते हो उस चीज को तुम करो। लेकिन जो लाइफ चेंजिंग घटना हुई वो हुई 1899 में। इनके घर के पीछे एक आंगन में एक चेरी ट्री था, ठीक है, एक चेरी ट्री था। एक बार इनकी मम्मी ने बोला जरा ऊपर चढ़ो और जो आलतू फालतू के सूखी वहां टहनियां उनको काट दो। तो जब ये पेड़ के ऊपर चढ़े और इन्होंने आसमान की तरफ देखा, इनको लगा वाओ, कोई
चीज ऐसी होती जो बहुत तेज गति से जाती और मार्स तक जाती, मंगल ग्रह तक जाती। और उसके बाद इनको लगा मुझे कुछ ऐसा बनाना है जो बहुत तेज गति से ट्रैवल करे, मार्स तक जाना है। इनकी जो इनके बारे में बुक्स वगैरह हैं उनमें चेरी ट्री क्लाइंबिंग वाली घटना का बहुत जिक्र किया गया है, ठीक है। फ्लाइंग बर्ड्स इनको पसंद थी, पतंगे इनको पसंद थी, और उसके बाद फिर फाइनली इन्होंने इसी दिशा में काम किया और फास्टेस्ट पॉसिबल ट्रैवल के लिए इन्होंने वैक्यूम ट्यूब में, स्टील वैक्यूम ट्यूब में ट्रैवल करने के लिए पेटेंट वगैरह के लिए अप्लाई किया और आगे जाकर रॉकेट का आविष्कार इन्होंने ही किया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको याद रहेगा। आपसे फिर मुलाकात होगी पार्ट 3 में। ऑल द बेस्ट, देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।